जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली आपके कमेंट्स पे है। कुछ बहुत ही खतरनाक डीपली मतलब दुख देने वाले कमेंट है और कुछ हंसी मजाक वाले कमेंट है, इन दोनों पे ही है। तो पहले आपको हंसी मजाक वाले जो कमेंट है उन पे बात करते हैं, फिर जो तकलीफ़ वाले हैं उनके भी बताते रहें कि आपको क्या करना है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उनके कमेंट में पढ़ा हूँ, वहाँ रिप्लाई नहीं कर पाया इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जो फनी वाले जो कमेंट है उनमें से सबसे जो पहला कमेंट है वो तो यही है कि क्या सर, एक ने बोला मेरे को कि क्या सर हम पड़ोसी को पीट सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसा काम ना ही करें तो बेटर है। क्या हम पड़ोसी पे बहुत गुस्सा आ रखा है, हमको पड़ोसी को पीट सकते हैं, तो ऐसा ना करें, ना ही पीटे तो बेटर रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है, ऐसा काम ना करें। दूसरा कि क्या सर हम राइफल घर लेके आ सकते हैं, तो ना, किसको गांव में आके किसको राइफल दिखानी है, किसके ऊपर गोलियां चलानी है, तो ऐसा काम ना ही करें। जो गांव में जो राइफल लेके घूमते हैं उनके हालात आप देख ही रहे हो, तो ऐसा काम भी ना करें। एक ने बोला कि सर पड़ोसियों ने पूछ पूछ के और ये मतलब पागल कर दिया कि कब नौकरी आने वाली है तेरी, क्या हुआ तेरी भर्ती का, कैंसिल हो गई क्या, क्या कर रही है तेरी भर्ती, अरे भर्ती है कि चल रही है, तू उल्लू बना रहा घर वालों को। एक ने तो यहाँ तक बोल दिया कि सर अब तो मेरे मतलब माता पिता भी विश्वास नहीं कर रहे कि मेरा नंबर आने वाला है, वो भी बोल रहे इतनी तो भर्ती होती ना बेटा, तो अब तो लग जाती है, अब तो झूठ बोल रहा है काम करने से बचने के लिए। तो अब इसका क्या रिप्लाई करूँ आप बताइए। तो उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाइए कि अभी रिजल्ट बाकी है, रिजल्ट आने वाला है। लेकिन हाँ, जो पड़ोसी हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका तो सिर्फ जब रिजल्ट आएगा तभी उनका इलाज हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है ये मार में झेला हुआ हूँ। वो लोग जानबूझ के एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना जिंदगी में, जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आएगा जब तक ही वो पूछेंगे, जिस दिन नंबर आ जाएगा ना उस दिन ना पूछेंगे कि अरे क्या हुआ तेरा भर्ती का, फिर उनको एडवांस में पता चल जाएगा इसका नंबर आ गया है। और अभी उनको पता है कि इनका नंबर नहीं आया है ये आने वाला रिजल्ट, तब बार बार पूछेंगे अरे क्या हुआ तेरा रिजल्ट आने वाला था, अगले महीने, क्या पता कौन से महीने आ गया होगा तो तू बताएगा थोड़ा ना। तो ऐसी बातें भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, इनको दरकिनार करना है, ठीक है। उनको जब रिजल्ट आएगा तभी जवाब देना, उससे पहले उनको बोला आने वाला है देखते हैं क्या होता है, नहीं तो मुझे पता है पड़ोसी बहुत परेशान कर देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, और जो गांव के कुछ ज़्यादा ही होते हैं ना जो चौपाल में एक जगह बैठे रहते हैं, वो तो मतलब आप जाओगे जाते पहले ये क्वेश्चन रहेगा, अरे क्या हुआ वो रिजल्ट ना आएगा तेरा, ये क्वेश्चन पहला रहेगा उनका। तो कुछ दिन परेशानी झेलो, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा वो उनके मुँह चुप हो जाएंगे बिल्कुल, कोई नहीं पूछेगा तेरे को तेरा नंबर आ गया क्या, फिर कोई ना बोलेगा चौपाल वालों को, उनको सबको पता चल जाएगा इसका नंबर आ गया। हाँ, जिसका नहीं आएगा उससे बार बार पूछेंगे तेरा तेरा नहीं आया क्या, फिर नहीं हुआ क्या तेरा, और मेहनत करो, वो किस लिए कि हाँ नहीं हुआ चलो ठीक है, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। अब एक ने बहुत ही खतरनाक कमेंट किया था कि सर मेरी घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं कुछ गलत काम करने की सोच लिया था, लेकिन हाँ मेरे को मतलब इतनी इच्छा हुई कि मैं गलत काम कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं किया हूँ, आपको कमेंट कर रहा हूँ, मेरे को खुद को बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा काम करने जा रहा था। मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि ऐसा क्या रीज़न है कि भाई जिसकी वजह से आप ऐसा कमेंट कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा सोच रहा है, अगर ऐसे ऐसे जी डी या फौजी बनने का सपना लेकर अगर कोई इतना नेगेटिव सोच रहा है तो ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दयनीय बात है, बहुत ही मतलब ख़राब बात है, ये तो कोई पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जो फौजी इंसान होता है, मैंने जैसा कि जैसा पहला भी बोला था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब त्याग बलिदान ये सब फौज को देने ही पड़ते हैं देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा ये मान के चलिए कि परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन आप अभी इस परेशानी से इतना जूझ रहे हो तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाए। तो दो मेरे छोटे भाई जो भी है या बहनें, कोई ऐसा गलती ना करे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पहले भी बोला कि जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती उसके लिए कभी भी कुछ पछताना नहीं, क्योंकि आपके रोने से, बैठने से, निराश होने से एसएससी जीडी का रिजल्ट जल्दी नहीं आने वाला है। तो अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आने वाला तो आप किस लिए रोना, हंस के टाइम बिताओ ना। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन से आप पाबंदित हो जाओगे गवर्नमेंट के, फिर आप ज़िंदगी में मज़े नहीं ले पाओगे बस। तो अभी आपका मज़े का टाइम है, इंजॉय कीजिए। हाँ, थोड़ी सी पैसे की इनकी तंगी है, कोई बात नहीं, यार दोस्तों के साथ गप्पे मार के इंजॉय कीजिए, लेकिन वक्त है, कट जाएगा, बुरा हो चाहे अच्छा, रुकता नहीं किसी के लिए, कट जाएगा। इसलिए ऐसी गलत बात ना ही सोचे दोस्तों, कोई भी अगर नेगेटिव सोच रहा था ऐसी बात ना सोचे, क्योंकि किसी के कुछ कर लेने मर जाने से किसी की समस्या कम नहीं हुई है, हमेशा बढ़ती है, परिवार वालों की समस्या और ज़्यादा
बढ़ जाती है, तो ऐसा कोई गलत काम ना करें। डिप्रेशन में आने का तो सवाल ही पैदा ना, फौजी बनने वाले तुम, डिप्रेशन में आने वाला तो सवाल ना, मेरे को किसी ने बोला था कि आपको ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो, अरे हम फौजी है भाई, कि आपको ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो सोच समझ के करो, तो हमारे बारे में लोग सोचते हैं, हम थोड़ा ना सोचते हैं। मैंने रिप्लाई भी किया था कि हमारे बारे में लोग सोचते हैं, हम ना सोचते, हम जब मौत से ना डरते तो सोचना क्या बाकी सब चीज़ों से। तो आप भी मेरे भाई, जब आप बनने वाले हो फौजी, आपको पता है कि आप फौजी बनने वाले, और मैं तो जो बोलता हूँ कि जो तैयारी कर रहा है ना वो अपने आप को फौजी से कम ना समझे। ये किस्मत की बात है कि हम पहले पैदा हुए आपसे तो पहले लग गए, आप लेट पैदा हुए आप लेट लग जाओगे, जो हमसे पहले लगे वो हमसे पहले पैदा हुए थे तो हमसे पहले लग गए। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो, आप ये मान के चलिए आप देश के मतलब जवान ही हो, थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन हाँ कम ना समझ लो अपने आप को कि भाई ये तो लग गया। अरे आप जब पैदा ही लेट हुए हो तो लेट ही लगोगे ना, पहले हमसे कैसे लग जाओगे, हम आपसे बड़े हैं, तो जो बड़ा है वो तो बड़ा ही रहेगा, वो छोटा थोड़ा तो हो जाएगा आपके करने से। तो ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसी क्या, मैं तो बोलता हूँ कैसी भी गलती ना करें, बिल्कुल मस्त रहे। आपको किसी ने बोला कि अभी पैसे की तंगी चल रही है कैसे मस्त रहे, अरे पैसे से मस्त रहा जाता है क्या? नहीं, ये गलत फहमी है आपके, मस्त होनी चाहिए दिमाग में, खुरापाती दिमाग होना चाहिए मस्ती करने के लिए। यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लोग मस्ती करके जाते हैं, आपको पता भी नहीं है, एक बार नीचे जाके कमेंट ज़रूर पढ़ना, आपको पता चल जाएगा यहाँ किस किस लेवल की लोग मस्ती करते हैं। उनके और कमेंट पढ़ता हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि हाँ ये लोग कभी नेगेटिव नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं खतरनाक खतरनाक, मैं खुद ही सोचता हूँ उसके बारे में चार बार के आंसर क्या करूँ। तो वो लोग जो मस्ती करें ना, वो ज़िंदगी भर मस्ती करते रहेंगे। परेशानियाँ जीवन में कभी ख़त्म नहीं हुई है ना होगी। जैसे एक उदाहरण बता दूँ आपको, जब बेटे की शादी ना होगी ना तो बोलेंगे अभी तो बेटे की शादी ना हुई है, अभी तो बेटे की शादी ना हुई है। शादी हो जाएगी तो अभी बच्चा ना हुआ है, बच्चा हो जाएगा तो बच्चे का नावन ना हुआ है, नावन हो जाएगा तो बच्चे स्कूल में ना गया है, स्कूल में चला जाएगा अभी ट्वेल्थ पास ना किया है, ट्वेल्थ पास कर लेगा तो अभी नौकरी ना लगा है, नौकरी लग गया तो अभी बच्चे की शादी ना हुई है, और शादी हो गई तो बच्चा ना हुआ है। मतलब परेशानी ख़त्म ना होनी कभी ज़िंदगी में, चलती रहनी है, क्योंकि गोल घेरे में आपको घुमा के रखेगी परेशानी, ख़त्म ना होगी। अगर आपको लगता है कि आप जैसे फौज में चला जाओगे आपकी सारी परेशानियाँ दूर, नहीं, दूसरी पैदा हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, जीवन में सबकी परेशानी चाहे मैं हूँ आपको चलती रहेगी, चलती रहने दो, परेशानी भी चलती रहेगी, हम भी चलते रहेंगे, मस्त रहे, खुश रहे, व्यस्त रहे, बस जो चीज़ चलती है उसको चलने दो, साथ में हमेशा मस्त रहो, पॉजिटिव वाइब के साथ में रहो, पॉजिटिव रहो, कोई बात नहीं, परेशानी है टल जाएगी। मैं जैसा कि बोला कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो दोस्तों जो इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे से इंतज़ार करो, नेगेटिविटी ना आने दो अपने दिमाग में, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। और मैंने वीडियो चैलेंज आपको दिया है फिजिकल वाला, उसमें भाग लेते रहो और अच्छे अच्छे वीडियो बना के देते रहो मेरे को, आपका भाई आपके यूट्यूब पे डालेगा, आप भी छा जाओगे, ठीक है। मस्त रहो, खुश रहो, जहाँ पे भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, और परेशान ना हो दोस्तों, परेशानी वाली बात तो बहुत दुख देती है आपकी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जय हिंद।